इंदौर नगर निगम ने शहर की मॉनिटरिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों ने एक नई पहल की है। बताया जा रहा है कि निगम के अधिकारी कर्मचारी अब स्मार्ट वॉच को बांधकर काम करेंगे ताकि उनके कामों की भी मॉनिटरिंग की जा सके। स्वच्छता में लगातार दो बार नंबर वन का ताज हासिल करने वाला इंदौर स्मार्ट सिटी के सपने को पंख देने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया के दौर में इंदौर नगर निगम अब हाईटेक हो रहा है। जी हाँ, तकनीकी सूझबूझ का बखूबी इस्तेमाल करने वाले निगम कमिश्नर आशीष सिंह अब स्मार्ट वॉच से अपने अधिकारियों और कर्मचारियों पर नज़र रखेंगे। यानी इंदौर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी हाथों में स्मार्ट वॉच बांधकर काम करेंगे। निगम आयुक्त से लेकर नीचे स्तर तक के कर्मचारी को यह वॉच दी जा रही है, जिससे निगम कर्मियों पर आसानी से निगरानी की जा सके। निगम में बांटी गई इस वॉच से अधिकारी और कर्मचारियों की लोकेशन और कार्य करने के समय अवधि पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी। फिलहाल इसे अधिकारियों और एक वार्ड में प्रयोग के तौर पर शुरू किया जा रहा है। सफल होने के बाद निगम आयुक्त द्वारा निगम के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी यह घड़ी दी जाएगी। प्रयोग के तौर पर फिलहाल करीब 300 घड़ियां नगर निगम के द्वारा बांटी जा रही हैं, जो जोनल स्तर तक के अधिकारियों को दी जाएगी। इसके बाद यदि प्रयोग सफल होता है तो इन्हें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तक दी जाएगी। देखिए, हमने जो 10,000 का ऑर्डर दे रखा था, जिसके लिए कंपनी के द्वारा 3-4 महीने का समय मांगा गया था, तो पहली खेप के रूप में 300 घड़ियां हमको प्राप्त हो गई हैं। 300 घड़ियों का वितरण आज हमारे द्वारा कराया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने ये चुना है कि जो पहले ऊपर के अधिकारी हैं, जिसमें कमिश्नर से लेकर एडिशनल कमिश्नर तक और सारे इंजीनियर्स, ZO, ARO, जो विभिन्न विभागों के जो ई हैं और ई हैं, उनको हम लोग घड़ी का वितरण कर रहे हैं, उनकी हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा सैंपल के तौर पर एक वार्ड भी हमने चुना है। एक वार्ड में चूंकि अगर टेस्टिंग पहले हो जाएगी तो जब बड़ी मात्रा में उनको घड़ियाँ प्राप्त हो जाएंगी तो उसका जो परिणाम है उसके आधार पर हम लोग अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो एक पूरा का पूरा वार्ड लिया है, तो इस तरीके से टोटल 290 घड़ियाँ आज हम वितरित कर रहे हैं। और मुझे लगता है इससे जो हमारी नगर निगम की एफिशिएंसी है और जो कार्यक्षमता है उसमें वृद्धि होगी। अधिकारियों का मानना है कि इस घड़ी के उपयोग के बाद भविष्य में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जरूरत भी समाप्त हो जाएगी और अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक के काम और उनके समय पर निगरानी होगी। जो हाजिरी लगाने के जो दूसरे तरीके हैं, बायोमेट्रिक और वो सब, अभी हालांकि बायोमेट्रिक वगैरह चलती रहेगी, लेकिन भविष्य में जब हम इसको लागू करेंगे मुझे लगता है उन सब चीज़ों की ज़रूरत भी वो हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो कर्मचारियों को भी सहूलियत होगी और इसके अलावा जो हमारी कार्य क्षमता है उसमें भी वृद्धि होगी। और ये घड़ियाँ चूंकि कमिश्नर से लेकर एडिशनल कमिश्नर तक सभी लोग पहन रहे हैं, इसीलिए इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। कुल मिलाकर इंदौर नगर निगम स्वच्छता में नंबर वन होने के साथ साथ तकनीकी दौर में अपने कामों को हाईटेक अंदाज से कर रहा है, जिससे अभी कर्मचारियों और अधिकारियों की मॉनिटरिंग ठीक से की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।